नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं आप किस प्रकार से आपके एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट को एक क्लाउड किचन में कन्वर्ट करने वाले हैं, कर सकते हैं और आपको क्यों करना चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगा लगभग मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाउड किचन कोर्स जिन्होंने भी लिया है, उसमें से लगभग आधे लोग वही हैं जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पर उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको इस दिशा में जाना ही पड़ेगा जिस हिसाब से हमारी करंट सिचुएशन चल रही है। क्योंकि जो भी वो रेस्टोरेंट चला रहे थे वहाँ पर उनकी डाइनिंग भी थी, लोग वहाँ पर आके बैठ के खाना खाते थे और उनको उस स्पेस का भी रेंट देना पड़ता था जहाँ पे कि उनके कस्टमर आके बैठ के खाना खाते थे। पर अब कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, ये सब चक्करों में पड़े हैं। तो अब करना क्या होगा? करना यही होगा, जो भी आपका जो बैठने का स्पेस है आपको उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको हटाएंगे तो आपका रेंट कम हो जाएगा, आपकी मैन पावर कम हो जाएगी, आपकी बिजली की कॉस्ट बच जाएगी, आपके फ्यूल की कॉस्ट बच जाएगी और आपकी, आप बोल दीजिए, इवन आपकी क्लीनिंग मटेरियल की कॉस्ट बच जाएगी और हो सकता है कि कई ऐसी कॉस्ट जो कि हम लोग नहीं सोचते वो सारी भी आपकी बच जाएंगी। तो आपको करना क्या होगा, आप जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं आपको उसको क्लाउड बेस पे ले जाना ही होगा। पर मैं जब भी बात करता हूँ क्लाउड बेस की या जिससे भी मेरी कॉल्स पे बात होती है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप क्लाउड किचन को इस मॉडल पे ले जाइए कि जहाँ पे कि आपका एक मेन ब्रांड होगा जो लोगों के सामने विजिबल होगा, क्योंकि वहीं से आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी। अगर आप ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे हैं कई सालों से तो आप डायरेक्ट क्लाउड किचन पे ना जाएं, आप अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रहे। पर जब स्विगी, जोमेटो या आप मैजिक पिन की या किसी भी और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे आप क्लाउड बेस पे कई सारे रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर सकते हैं। आपकी जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा है वही आपकी आइडेंटिटी है, आपको उसको ही मेंटेन करना है, आपको वही लोगों को दिखाना है। पर आप अपने सब ब्रांड्स करके, कई सारे उसमें इनोवेशंस करके आप क्लाउड बेस पे जा सकते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी को मत खोइए। आप जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे थे आप लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, तो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस होने का मतलब यही होता है कि हमने अपनी पूरी जो भी आज तक काम किया है वो स्विगी जोमेटो के हाथ पे दे दी है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। इवन जो नए रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ। या फिर तीसरे लोग वो हैं जो कि ऑलरेडी सिर्फ घर से ही काम करना चाहते हैं, वो लोग अपने घर में एक सिंगल ब्रांड या दो तीन ब्रांड लेके भी काम कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो ऑलरेडी इस वीडियो में, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप रेस्टोरेंट्स को क्लाउड किचन में कन्वर्ट करें, तो आपको मेरी इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों को ये एक बोलिए एक तरीके से मैसेज भी देना चाहता हूं कि सिर्फ क्लाउड बेस होने से या सिर्फ स्विगी जोमेटो के साथ काम करने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। अब आपको ये करना कैसे होगा? आपको मैंने ये बातें बता दी कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका रेंट कम हो जाएगा, आपके आपकी मैन पावर कम हो जाएगी, आपका क्लीनिंग मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, रेंट कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो जो आपकी कम हो जाएंगी। पर आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको कई सारे अपने ब्रांड्स बनाने होंगे। अगर आप एक इंडियन का कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपने सब ब्रांड्स बना सकते हैं, चाइनीज़ का एक छोटा ब्रांड, रोल्स का, मिल्क शेक का, हेल्थी फूड का, इंडो चाइनीज़ का, मलेशियन का, या कुछ भी आप बोले, सिर्फ सैलड्स का, फास्ट फूड्स का। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे ब्रांड्स क्रिएट कर सकते हैं और टाई अप्स कर सकते हैं अपने स्विगी, जोमेटो, या आपके एरिया में जो भी लोकल कुछ कोई चल रहा है, मैजिक पे, इन सब से आप लोग टाई अप्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा? आपको सिंपली मेन्यू चाहिए होंगे, मेन्यू के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं क्योंकि मैं अभी ये मेन्यूज़ भी मैंने लोगों के लिए लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर अभी जस्ट मेरे एक क्लाइंट थे जिनसे कि मेरी अभी फाइनल बात नहीं हुई है, उन्होंने किसी से मेन्यू मेन्यू बनवाने की कोशिश करी तो उन्होंने उनको इतना चार्ज बता दिया कि उनके सुन के होश ही उड़ गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेरी करी तो मैंने उनको बहुत ही मिनिमम अमाउंट में वो चीज़ बताई और अभी उनसे उन्होंने मुझे हाँ नहीं बोला है, पर वो हाँ ही बोल देंगे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सर मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जब आपके मेन्यूज़ रेडी हो जाते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आप लाइसेंस बना के स्विगी, जोमेटो को मेन्यू और अपनी जो अकाउंट्स की डिटेल सारी दे सकते हैं और उसके बाद आपके टाई अप्स हो जाएंगे और आप अपने क्लाउड किचन को रन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाइनीज़ का कोई सेटअप कर रहे हैं अपने इधर, तो आपको सिर्फ जो मिनिमम इक्विपमेंट है वो लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कई सारे इक्विपमेंट्स पहले से ही हैं और क्योंकि आप ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो आपका मेन्यू था, जो आपकी ऑलरेडी आप लोगों ने जो बिज़नेस बिल्ड कराया है उसे वैसे ही चलाइए। हो सकता है तो उसमें से कुछ आइटम कम करके जो नहीं चल रहे हैं वो दूसरे ब्रांड में शिफ्ट कीजिए। मेन अपनी एक आइडेंटिटी रखिए, अपना जो आपने आज तक कमाया है उसका नाम बरकरार रखिए और क्लाउड बेस पे उन रेस्टोरेंट्स को ले जाइए, अपने उन नामों को ले जाइए जो कि बिल्कुल नए हैं।
तो इस प्रकार से आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इस कोविड में या आने वाले समय के लिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलने वाला है। इससे होगा क्या, जो कि आपकी ऑलरेडी आइडेंटिटी बन चुकी है, लोग आपसे टेक अवे भी ले सकेंगे, और इवन अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपनी एप्स के थ्रू भी ये सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाऊँ जिसमें कि मैं ये भी बताऊँ कि आप लोगों को किस प्रकार से अपनी वेबसाइट या ऐप बना के, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिनिमम कॉस्ट में बन जाती है, इनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती है, पर इससे कस्टमर आपके पास ही आता है, क्योंकि आपका जो भी डाटा बेस है, कस्टमर का डाटा बेस है, वो आपके पास इकट्ठा होने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सर्विसेज दूँ, या आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे क्लाउड किचन का कोर्स ले सकते हैं। अब मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का भी कोर्स डाल दिया है। अब इस एडवांस लेवल में वो सारे फॉर्मेट्स, वो सारी एसओपीज आपको मिल जाती हैं, जो कि एक ऑलरेडी ऑलरेडी अगर आपका ऑपरेशन रन हो रहा है, आपको चाहिए होती हैं। बाकी जो नए स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक वाला जो लेवल काफ़ी होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आप अगर ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको टाई अप्स कैसे करने हैं और आपको कितने ब्रांड बनाने हैं। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।